Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Red Dead Redemption 2. Let's see if we have the Arabian, still have the Arabian or not. Because as soon as I log out of the game, they always try to. I see my horse there, and yes, Arabian is still there. Still lost, not lost. Have to increase my bonding with this horse. Okay. So we already checked out these places. I will just unmark these places here. Now we straight go towards this place. I'll just not record the part where I start from this older place again. So हम लोग लगभग इधर पहुंच गए थे, यहाँ से स्टार्ट पर मैं ये एडला रेंच हो गया, ये सब घूम के फिर से हम लोग लेक इजाबिला से स्टार्ट करेंगे जितना हो सके उतना तक करके, क्योंकि देखो आज फ्राइडे है तो रेड डेड रिडेम्पशन का तो कोई छूट नहीं है मेरे को, मैं उसका रोज ही बनाता हूँ वीकली 7 डेज। तो स्टारफील्ड का होगा कि सैटरडे और संडे बंद रहेगा, फिर से मंडे से स्टारफील्ड का वीडियो आएगा। आज जो अपलोड हो चुका है स्टारफील्ड का वीडियो, वो भी मतलब इसमें बहुत बकचोदी किया है मैंने, बेसिकली बकचोदी किया है। तो आप लोगों को बकचोदी अच्छा लगे तो देखिएगा। I think you will enjoy it. I encountered a glitch where I owed too much and I did not have credit, so the only option was to pay in blood. Almost all the time I killed every one of them and then I left that place. उससे आगे नहीं जा सकता, चलो तो ये इसका इधर एंड हो गया, इसको हटा देता हूँ। अरे यार ये लोग राइट, तो ये राइट ही जाना है और इधर तो जगह लौट रही है ना, देखना दिखाना। अंधेरा हो रहा है, ये तो बस वही दिखाने आया हूँ ना कि कितना तक जा सकते हो, एकदम एंड तक जाके दिखाएंगे हम लोग कि कितना हो सके, यहाँ से नहीं जाने दे रहे हो। तो इसका ये एंड हो गया इधर, अभी मैं सीधा राइट पकड़ के सीधा चलता हूँ। एक सर्टेन साथ ही साथ घूम रहा है ना,
दूसरी बार हुआ। मेरे को नहीं लगता कि जाने देगा। ये बोल एकदम कंधे पे चढ़ के बैठाता है। ये सब गिरते पड़ते तो मेरा स्टेमिना लो हो गया भाई। तो जो कंट्रोल स्पेस दबाता ही नहीं हूँ मैं, डायरेक्ट टर्न ले लेता हूँ पीछे का दबा के। मेरे को लगा कुछ हो सकता है लेकिन कुछ भी नहीं है। अब ये तो बहुत बार हो चुका है कि
को भी बहुत पावरफुल बना सकते हो। अभी तो इसका पोटेंशियल पूरा ये हमने पड़ी हुआ है। अच्छा ये जगह हो गया तो मार्केट आ जाता हूँ इधर से घूम के, ये देख के यहाँ पे जब आ जाऊँगा तब फिर से मैं पॉज कर दूँगा वीडियो को, फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग लेके जगह से। ठीक है का मत दे, वो लिटरली धक्का दे रहा था। से स्टार्ट हुआ कैसा आएगा घोड़ा अभी।
मेन जाता ना, मेन इसके पीछे कुछ भी नहीं है, पानी का धारा ही है बस। पुणे से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, इसका नाम नहीं आता है, क्या कर सकते हैं। पता नहीं कब नाम आएगा इसका, शायद गेम खत्म करने के बाद नाम आएगा इसका, या फिर पार्ट थ्री का कोई हो रही होगा। अरे इतने दिनों से मेरे को यूज़ कर रहा था, अचानक अरेबियन मिला तो मेरे को भूल गया, ये तो उसने 100% सोचा है। अभी चीज़ है ये कि एम्बरिनो का अपर पार्ट पूरा बर्फ का पहाड़ी है, इधर ग्रिजलीस वेस्ट, बिग वैली, यहाँ तक लेक वान जिला, इस तरफ तक पूरा बर्फ का जगह है, तो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा यार, इसको टाइम लगेगा और दो वीडियो तो लगेगा, दो तीन, दो वीडियो लग जाएगा, तीन नहीं लगेगा, दो वीडियो लग जाएगा, मतलब इसको इसको लेके नहीं, इसको छोड़ कर और दो वीडियो लग जाएगा। पूरा पहाड़ी इलाका है ना, इतना पहाड़ घूमने के लिए इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड है ये, छोटा मोटा ओपन वर्ल्ड होता तो कब का गेम खत्म हो जाता। अभी रास्ता इधर जा रहा है, इधर का रास्ता यहाँ आके एंड हो जाता है, देख रहे हो। अपन तो इधर सर्च करेंगे ही भैया, क्योंकि इसके बाद कब आऊँगा मैं इसका गारंटी थोड़ी है कुछ, शायद कभी नहीं आऊँ। जब
लगाने का जरूर कहा है। रोबोट को मैंने लास्ट वीडियो में मार दिया था, इसका हाथ में गोली चला था लेकिन मर गया हूँ। मैं क्या करूँगा, देखो एक घोड़े को दिया हुआ कमांड वो कभी नहीं भूलता है, वो मतलब फॉलो कर रहा है। मैंने कब बोला था उसको फॉलो करने के लिए, अभी से अभी तक फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको मैंने बीच में एक बार स्टे बोला था, दूसरी बार मैंने स्टे नहीं बोला था, दूसरी बार बस फॉलो का बोल के मैं घूम रहा हूँ। मैं अपने घोड़े से उतर जाऊँगा, ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन बोल फॉलो करेगा। बोल के साथ अभी बॉन्डिंग लेवल, अरे बॉन्डिंग लेवल शायद 4 या 5 है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि बॉन्डिंग लेवल आपका घोड़ा के साथ जितना अच्छा होगा उतना आप ज़्यादा तेज़ भाग पाओगे, बाउंड्री पकड़ने के लिए बोलो या फिर लॉमैन से भागने के लिए बोलो। दिखाई दे रहा है बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई। इधर से घूम के माउंट हेवन में उठता है, ये जगह लगता है फाइनल फिनाले यहीं पे होने वाला है। यहाँ पे रास्ता जाता है, मैं उल्टा जा रहा हूँ मैं, लेकिन इधर भी तो कभी नहीं गया मैं, गया था एक सेकंड ये लेक इज़ा वाला का ये रास्ता है ना, इधर से मैं जा चुका हूँ बहुत बार। मैं ध्यान से नहीं देखा, लेकिन अगर कुछ देखने लायक रहता तो 6:15 बज रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं लेफ्ट पकड़ के चलूं रास्ता है ना, ये इससे ऊपर जा सकते क्या? जगह में जब भी आता हूँ ना रास्ता खो देता हूँ। अरे भाई सारे बंदे तेरे के ही है,
फाइनल शो डाउन इधर ही कहीं पे होने वाला है, इसलिए सब जगह का नाम नहीं आता है। मुझे एक आइडिया है, पता नहीं आइडिया फेटल भी हो सकता है, लेकिन मैं करके ही छोड़ूंगा। इधर घोड़ा लेके मत आना, नहीं तो तुम खत्म। रास्ता और पतला हो रहा है इधर। बहन के नाती हो ये? कहाँ ऊपर जा सकता हूँ? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऊपर तो जा रहा हूँ, उसके बाद किधर? इधर से तो ऊपर जाने का कोई कुछ नहीं है, फिर अभी नीचे कैसे जाऊँ? इसको पकड़ गए, पागल वगैरह हो गया क्या? ऐसे नीचे जाऊँगा तो डायरेक्ट डेथ। डेथ भी बोलेगा अरे भाई कौन सा गांडू आया था मरने के लिए। नहीं भाई इधर कुछ नहीं है, इधर आके कोई फायदा नहीं है मेरे को। जो मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ, उल्टा ही हो गया मेरे साथ। मैं सोच के आया था कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ये एक बंगाली में कहावत है, उतनी लोग ताती मस्त हो, बस वही हुआ मेरे साथ। रेवन तो लग रहा था, लेकिन रेवन से ब्लू कलर का होता है क्या? बहुत दूर चला गया इस समय। ये एक प्रकार का हमको लग रहा होगा टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा, लेकिन एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर जब दे के रखा हुआ है रास्ता, तो मैं क्यों ना जाऊँ? अरे रास्ता कौन सा है? ये रास्ता तो नीचे जो जा रहा था वो क्या था? ओ भाई मैं भूगल को लेके आ गया। छूट गया जो भी ये कमॉन बॉय बोला ना, तभी मेरे को लगा कि बहन के लिए क्या हो गया। अरबियन तो गर्ल हॉर्स है ना। क्यों मुझे लग रहा है कि उधर कुछ है, ट्राई करता हूँ। ठीक है
पता नहीं है होगा कि नहीं, मैं उधर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, सोचते सोचते ही बैक मार दिया भाई। थोड़ा सा और नहीं, चलो कोई नहीं, मेरे को लगा था उधर से जा सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते। माफ करना मेरे आवाज़ से, सर्दी होने की वजह से आवाज़ ऐसे हो गया और वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। अबे कूद, वहाँ पर 5-6 बार मारने के बाद एक बार कूदा। पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा था कि इधर कुछ हो सकता है, लेकिन इधर खास कुछ नहीं नहीं है। डोंट गेट टू एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज़ देयर इज नथिंग हियर। मैं तो टहलने आ गया अभी, टहलते टहलते पहुंच गए हम लोग किधर। अरे भाई गया, बच गया भाई, भाई तेरा भाई बच गया भाई। अरे यार ये रेवन ही रेवन चारों तरफ। इधर और कोई स्पॉट पीछे नहीं दिख रहा है फिलहाल तो। काम कर तो मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि मेरा घोड़ा नहीं आ पाएगा इधर। चालाक है ये, बोल होता तो अभी तक इधर से घूम के उधर बीच में फंसा होता, लेकिन ये ऊपर गया, देखा सिचुएशन क्या है, मैं इधर से जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, मालिक उधर बुला रहा है, उस हिसाब से वो नीचे आ गया सीधा। अरबियन भाई मिले तो यूज़ करो भाई, मैं तो बोलूँगा बहुत बहुत यूज़फुल है ये घोड़ा। एक सेकंड गाइस, अगर मैं देखता हूँ कि इस तरफ भी रेंज है, मतलब इधर इधर ये भी रेंज है, तो इधर देख लेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे इधर से, ठीक है, कल से इधर से स्टार्ट करेंगे। और अगर ये नॉर्मल एक बॉर्डर जैसा हुआ तो मैं बस साइड से जाके देख लूँगा, सामने से जितना सामने हो सके, ठीक है। बीच में तो बहुत कुछ बाकी है, मैं तो ये सब साइड व्यू ले रहा हूँ कि पेंटिंग वेंटिंग होगा, कोई ड्राइंग वाइंग होगा जैसे वहाँ पे हम लोगों को मिला था। अरे यार जी दबाने जाता हूँ, बी दब जाता है जा।
मैं सोचा माथे पे रख के मैं गिरूंगा, इसलिए मैं ऐसे करके आया। अच्छा सिविलाइजेशन के तो बहुत सारे जंगल वंगल हैं, बर्फ का पहाड़ी भी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको बर्फ के पहाड़ी में क्या क्या मिला। हाँ बंदूक भी मिला तो वो भाई गया मैं, बंदूक भी मिला होगा या फिर कोई NPC मिला होगा या रोबोट मिला होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ये एकदम मैं छोड़ दिया था, पूरा पूरी घोड़े के ऊपर छोड़ दिया था मैं, बचिया में लगता है ये अरबियन टिक जाएगा। ये सब काउ एल्क है, अभी तो देख के ही बता देता हूँ मैं कौन है कौन सा एनिमल। काउ की तरह दिखने वाला एल्क ये मेरे को लग रहा है वो तो डियर है, बक होगा शायद, बुल एल्क है वो एल्क, लेकिन ये लोग तो शीप है ना। मार्क जो किया हुआ जगह मेरे को डाउट है कि हम लोग इधर उतना ऊपर जा सकते हैं, फिर भी ट्राई तो मैं करूँगा भाई। हमें भाई बोला ना मैंने मेरे को डाउट है उतना ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, तो इतना ऊपर नहीं जा सकते, अनट्रैकेबल है, फिर भी ठीक है सामने भी बहुत जगह बाकी है सबको भी देख लेते हैं। मेरे को सिर्फ याद नहीं आ रहा कि इधर मैं आया हूँ कि नहीं, मेरे को लग रहा है नहीं आया हूँ मैं। इसीलिए शायद कि इधर आके भी कोई फायदा होगा नहीं, कुछ है ही नहीं साला, ना देखने लायक ना लेने लायक ना नोटबुक में नोट करने लायक। सर ये हॉस्टिंग में आउट कैसे हो गया? अरे बेटी चो, तो बेटी चो हो गया मेरे साथ। अरे अभी तो इन रेंज है ना, बल्कि होता है तोरा शरीर, लेकिन ये लोग एल्क एल्क जैसा दिखता है बस माथे में सिंह नहीं, सिंह नहीं होता है, जैसे हम लोग गाय माता का सिंह उतना बड़ा नहीं होता है सांड लोगों का होता है, वैसे ही ये जगह कुछ मेरे को अलग लग रहा था, अभी तो था बोलना पड़ेगा ना, ज़बरदस्ती है, अगर कुछ होता तो लग रहा है बोल देता मैं अचानक से। अगर कुछ मिला नहीं इसलिए लग रहा था बोलना। मुझे पता है मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, लेकिन कॉमेडी करने में सबको मज़ा आता है कि नहीं। अभी दोनों के दोनों सलाह पीछे रह जाएगा, फिर मेरे को किधर किधर जाके इन लोगों को बुलाना पड़ेगा। देखो कॉर्नर देखो एकदम लग रहा है कि मतलब कोई पेपर फोल्ड करके वहाँ पे रख दिया है कुछ। अरे रुक जा भाई, अरे ये कैसे चढ़ गया ऊपर? अरे
इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जैसे दिख रहा है आपको, ये कोई बॉर्डर, ये एक बॉर्डर ही है ना, अपन के लेफ्ट में बॉर्डर ही है। ये तो बर्फ का एक पहाड़ बना हुआ है, मतलब बर्फ ढका हुआ पहाड़ है, तो बॉर्डर ही पकड़ लो उसको। इस साइड में बर्फीला कुछ नहीं है, मतलब मैं लेफ्ट में, लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे लेफ्ट में इधर बर्फीला कुछ नहीं है, लेकिन राइट में बर्फ है। तो राइट देख लेता हूँ, लेफ्ट बाद में देख लेंगे, ये सब जगह फिर से जाएंगे। तो इसको हटा देता हूँ जैसे उतर के, लेवल 3 कर ही दूंगा मैं इस वीडियो में ही, इसका बॉन्डिंग लेवल। मॉर्गन इधर कहीं पे जाने का रास्ता है, नकोटा ब्लू मून। अच्छा प्रजाति का घोड़ा था वो, ठीक है अपने को तो घोड़ा खरीदने तो नहीं आया हूँ अपन ना। लेफ्ट में बहुत लेफ्ट जाना है भाई, जाना तो इधर ही है ना। तो राइट पकड़ के जा रहा था मैं, लेकिन इधर जाने का रास्ता है ही नहीं, रास्ता है तो उधर ही ना जाएंगे। अभी तो रास्ता नहीं मिलेगा तो अबे जाम कर बे, दस बार दबाने के बाद जंप हुआ, ठीक से तो मैं भी डर गया। सर्दी खांसी होने वाला है लगता है एक दो दिन में, खांसी हो जाएगा तो बात करना बंद हो जाएगा मेरा। अभी फिर से मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो इसी तरफ चल रहा हूँ भाई। 15 मिनट है, अगर जाना नामुमकिन है तो जा सकता हूँ, उधर ही चलते हैं ना। मेरे को लग रहा है कि मेरे को दो गैंग्स क्यों नहीं मिला,
और जो दो गैंग्स हैं, मतलब मेरे को भी हो रहा है ये ख्याल, पहले कभी नहीं आया था, अभी आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो मुझे लगता है ये ब्लैक वाटर में है, ब्लैक वाटर ये न्यू ऑस्टिन इस तरफ, ग्रेट प्लेन्स, टॉल ट्रीज, ये मैकफार्लेंस रैंच इस साइड में होगा। दो मतलब इस रेड, पूरा रेड एरिया में ही है दो गैंग्स। सो जो दो गैंग्स, दो लेजेंडरी एनिमल, दो लेजेंडरी फिश, या तीन लेजेंडरी फिश सब उधर है। तो गेम में इसको मतलब कैसे इंक्लूड किया है, क्या मत तो मिल ही नहीं पाएंगे ना। वो जो था के फिर बच के निकलने का इरादा था, सारा एक का भी गुड स्किन भी नहीं है, नोगा नहीं है, सब फालतू का स्किन। मेरा लगभग डेढ़ ही खत्म ही हो गया सोल्स के चक्कर में, तो बॉन्डिंग करने में व्यस्त था सारा, अटैक कर दिया मैंने हॉल में। भाई वो क्या बियर लग रहा है, ग्रिजली बियर लग रहा है। हाँ ग्रिजली बियर है, ऐसे कैसे होता है भाई हर टाइम। मैंने उसको इनफ गोली मारा था यार, लगता है ग्रिजली बियर का भाई इसको आई, आर्थर को आई पैच लग गया, कपड़ा वपड़ा खराब हो गया भाई। दोनों घोड़ा भाग गया, भागना भी चाहिए। अरे दूसरा तो आ जा, देखो पीछे देख रहे हो डिटेल्स, जहां जहां पंजा मारा वहां वहां से फट गया कपड़ा। आर्थर को सबसे बड़ा चीज मेरे को दिखा कि आर्थर को आई पैच लग गया। कपड़ा चेंज कर लेते हैं, आई पैच भी हट गया। अगर स्किन अच्छा होगा तभी लूंगा। मैंने अभी क्या बोला, स्किन अच्छा होगा तभी लूंगा मैं। निकाल ने कसरत करवा दिया साले ने, मैं सोचा सामने जाके मार दूंगा, लेकिन साले ने साला कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला, इतना गोली खाने के बाद भी।
मैंने उसको एटलीस्ट 10 से 12 गोली मारा था हेड पे, वो भी वॉल्केनिक पिस्टल, और ये दो पिस्टल लगाए यहाँ पे, कैटलमैन और कैलोवे दोनों का रिवॉल्वर, इन दोनों से यूज़ करके मैंने मारा था। लगता है वॉल्केनिक पिस्टल लेना पड़ेगा दोनों हाथों में, नहीं तो काम करता हूँ मैं। अरे इधर आ गए, नहीं दिखता मेरे को, कितना पीछे रह गया ये। He has all my guns in his ass. I will take semi-auto shotgun and rear rolling block rifle also. I will keep volcanic pistols. अभी ठीक है, तो अभी कोई ग्रिजली बियर हो या फिर कोबर उबर हो, कुछ भी हो, तो 3-4 बियर ही आ जाएगी ना जाए अपन संभाल लेंगे। नहीं मेरे को नहीं लगा था कि मतलब वो मुझे उतना डैमेज दे पाएगा, लेकिन दे दिया उसने, फिर भी बहुत डैमेज दिया था भाई उसने। तो अरे यहाँ पे कौन सा पिस्टल पड़ा हुआ है, ठीक है मैंने फेंका गया। अरे यार पत्थर में क्यों फंस जाता है यार घोड़ा। अरे उधर कहाँ जा रहा हूँ, इधर था ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है। बॉन्डिंग लेवल 10 चाहिए इसको। किसी ने मारा, यहाँ पे एक एंटलर नाइफ पड़ा हुआ है, इसीलिए शायद ये आ रहा है। ये बियर को मारते मारते ये खुद भी मर गया। मैं दिखा दो, ये एंटलर नाइफ है, चलो आप लोगों को एंटलर नाइफ मिला कि मिला, नहीं मिला, हम लोग को तो जाना है इधर जहाँ मार्क किया हुआ, इस मार्क को हटा देता हूँ। ये सब मार्क को भी हटा देता हूँ।
बंद है बाबू। इधर से सीधा चल सकता है ना? दो दो ग्रिजली बियर भाई, एक मारा हुआ और दूसरा दूसरे को मैंने मारा। एक ही जगह पे दो दो ग्रिजली बियर थे, लेकिन वो मुझे मेरे को ब्राउन बियर लग रहा था। पता नहीं, हो सकता है साइज बड़ा था मुझे ब्राउन बियर का, साइज बहुत बड़ा था। पहाड़ तो चढ़ नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके पहाड़ चढ़ने का ऑप्शन नहीं है ना। कुछ लिखा हुआ है ना, ये उधर लिखा हुआ है बियर ऑफ डॉग्स में, कुछ एक जगह तो लिखा हुआ है, मैंने देखा है। यानी किधर लिखा हुआ है मेरे को याद नहीं है, और ये जगह हम लोग पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पे एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के पास एक मैप था, तो मैप हम लोग ले चुके हैं। ज्यादा नाम भी होगा कुछ, ज्यादा नाम नहीं है, ये विच का कुछ था। अच्छा, ये पानी का इधर चलता है। कुरेली था ना वो, ग्रुप ऑफ स्कूरल्स जा रहा है, एक दो नहीं था, तीन था। तू आ जाता है, रवियन क्यों नहीं आता है? उसको अलग से बुलाना पड़ता है। मैं तो एकदम पानी का सोर्स में जाने का कोशिश कर रहा था, देखता हूँ इधर से रास्ता। बहुत ऊपर तक गया है, इससे ऊपर तक जाने में भी कर रहा है। कोई नहीं, तो अपन को ऊपर थोड़ी जाना है। देख लो कितना पत्थर आ रहा है नीचे ऊपर से। पानी अचानक से यहाँ से कैसे स्टार्ट हो गया? इस पत्थर के नीचे से पानी का बहाव स्टार्ट हुआ। तो चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इन द नेक्स्ट वन विल स्टार्ट विद द बोन्स, ट्राई टू फाइंड almost everyone, everything, every bone I can find. So bye guys, have a good day, take care and see you soon in the next one. Until then, stay tuned and have a good day. मैं सोचा था कि bonding level 3 कर लूँगा, लेकिन हुआ नहीं।
एक वीडियो में कितना मॉडलिंग करूंगा, दो तो कर लिया, नहीं दो नहीं सॉरी, एक लेवल बॉन्डिंग हुआ है आज। बाय गाइस, सी यू सून। और जैसे मैंने बोला कि आज स्टारफील्ड का वीडियो अपलोड हो चुका है, कल और परसों मतलब सैटरडे और संडे स्टारफील्ड का वीडियो नहीं आएगा, फिर मंडे से फिर से स्टारफील्ड का वीडियो आएगा। वुल्फ्स तो नहीं है, कायोटी है। यहीं पे कैंप बना लेता हूँ मैं। चलो गाइस, खत्म करता हूँ मैं यहीं पे।